How to fix OnePlus 8T keeps disconnecting from Wi-Fi problem. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज YouTube चैनल पर. तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने OnePlus के डिवाइस में Wi-Fi keeps disconnecting problem सॉल्व कैसे कर सकते हैं. तो दोस्तों, अगर आपके जो मोबाइल है OnePlus के, तो उसमें दोस्तों अगर Wi-Fi बार बार डिसकनेक्टिंग होते हैं, तो आपको कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है मैं आपको यही बताने वाला हूँ. ठीक है, वीडियो को अंत तक देखेगा दोस्तों, जो भी प्रॉब्लम यहाँ पे वो आपका फिक्स हो जाएगा, और जो भी सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ वही आपको फॉलो भी करना है. ठीक है, तो वीडियो के साथ साथ बने रहिए, सारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए. अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. तो दोस्तों, अगर आपके वाईफाई डिसकनेक्ट होते हैं बार बार रिपीटेडली, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे जो मोबाइल है उसको रिस्टार्ट कर देना है. ठीक है, मोबाइल को रिस्टार्ट करना है और उसके बाद चेक करके देखना है. अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते तो दोस्तों आप जाइए अपने मोबाइल के सेटिंग पर, स्क्रॉल डाउन कीजिए, सिस्टम पर क्लिक कीजिए, और उसके बाद रिसेट ऑप्शन पर क्लिक करके रिसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ पर क्लिक कीजिए, और रिसेट सेटिंग पर क्लिक कीजिए. जैसे ही दोस्तों आप रिसेट सेटिंग पर क्लिक करोगे, आपका सेटिंग रिसेट हो जाएगा, और उसके बाद दोस्तों आप चेक करके देखिए. तो जब दोस्तों आपका यहाँ पे रिसेट सेटिंग हो जाएगा नेटवर्क का, तो आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा. अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सिंपली जाना है वाईफाई में, और वाईफाई में कुछ सेटिंग्स यहाँ पे चेक कर लेना है, जैसे कि आपका वाईफाई यहाँ पे ऑन है या नहीं है. ठीक है, उसके बाद आपका जो वाईफाई है यहाँ पे आप टर्न कर दीजिए, टर्न ऑन ऑटोमेटिकली का ऑप्शन जो है उसको बनी रखना. तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का सेटिंग्स होना चाहिए जिससे कि आप देख पा रहे हैं. ठीक है, तो इनसे दोस्तों आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. अगर प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है अभी भी, तो आप दोस्तों चेक करें मोबाइल पे अगर कोई भी बैड एप्लीकेशन आ गया है, जैसे कि कोई भी अननोन वेबसाइट से एप्लीकेशन आ गया है, तो उनको अनइंस्टॉल करें और मोबाइल को सेफ मोड पर रिबूट करके देखिए. उसके लिए पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करना है, पावर ऑफ के बटन को 2 सेकंड क्लिक करके रखना है, और ओके कर देने, मोबाइल सेफ मोड पे रिबूट हो जाएगा. जैसे ही मोबाइल सेफ मोड पे रिबूट हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है चेक करके देखना है. अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते तो दोस्तों आप जाइए सेटिंग, उसके बाद सिस्टम पर क्लिक करें. ठीक है, एंड आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट करना है. सॉफ्टवेयर अपडेट जैसे आप कर लोगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. मान लीजिए दोस्तों बाई एनी चांस सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो जाइए दोस्तों सेटिंग पर, उसके बाद सिस्टम पर क्लिक करें, रिसेट ऑप्शन पर क्लिक करके इरेस ऑल डेटा कर दीजिएगा. जैसे ही इरेस ऑल डेटा होगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. तो इस तरीके से आप अपने प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हैं. उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.